जम्मू के सांबा जिले के विजयपुर में बन रहे एम्स में आग लगने का वाकया पेश आया है। इत्तला के मुताबिक आज दोपहर एम्स के अंदर मुश्तबा हालत में आग लग गई है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड महकमे ने फौरी तौर पर आग पर काबू पा लिया है। इस वाकये की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। जहां पर आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि आज आग लगी और कहा जा रहा है कि ये दूसरी मर्तबा है कि एम्स के अंदर इस तरीके से आग लगी है। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। सांबा की बात करें तो सांबा जिले के विजयपुर में ये एम्स है, जहां पर आग लगने का वाकया पेश आया है। कहा जा रहा है कि जब ये आग लगी उसके बाद जो फायर ब्रिगेड्स है वो मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने की पूरी कोशिश की गई है। और इसमें से क्या कुछ नुकसान हुआ, इस हवाले से भी आपको रूबरू करवाएंगे कि दूसरी मर्तबा ये आग लगी है। इससे पहले भी एक मर्तबा वहां पर आग लगी थी, दूसरी मर्तबा आग लगी है और जिसके चलते मौके पर ही टीम्स पहुंची है और आग को बुझाने की पूरी कोशिश की गई है। और इसी पर हम ज़्यादा जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि जी बताएगा कि जो आग लगने का वाकया पेश आया है, क्या कुछ कहा जा रहा है, कैसे आग लगी, इस हवाले से कोई तफसील? देखिए, आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले एम्स विजयपुर में जिस तरह से ये आग लगने की पूरी वारदात पेश आई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये आग लगने की वारदात पेश आई है, तो बताया जा रहा है, जो जानकारी मिली है कि जो एम्स विजयपुर के अंदर जो लेबर कैंप बनाया गया, यहाँ पर तमाम मजदूर रहते हैं, तो वहीं पर ये बताया जा रहा है कि आग जो है वो लगी है ये संदिग्ध परिस्थितियों में। लेकिन अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया, जिसको लेकर जांच जो वो शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रशासनिक अमला भी यहाँ पर पहुंच चुका है, पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है और नुकसान का जायजा जो वो लिया जा रहा है कि क्या क्या नुकसान यहाँ पर हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये वारदात ये जो है आग लगने की पेश आई, उसके बाद फौरन जिस तरह से तमाम अफरा तफरी का माहौल जब बना, उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीमें यहाँ पर पहुंच गई। फायर फाइटर्स ने जो है वो काफी मशक्कत करने के बाद आग के ऊपर काबू पाया। वजह थी और दूसरी बार ये आग लगी है, क्या कुछ वजह है जो लगातार आग वहां पर लग रही है? देखिए, टेक्निकल कुछ फॉल्ट जो वो हो सकता है, लेकिन इस तरह से ये दूसरी बार आग लगने का मामला सामने आया। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब एम्स बनकर पूरी तरह से तैयार हो रहा था, तो जब इसका काम जो वो आखिरी चरण में था, तब भी संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी थी। लेकिन अब जिस तरह से ये आग यहाँ पर लगी है लेबर कैंप के अंदर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी बड़ी यहाँ पर एक मशीनरी जो वो इंस्टॉल की गई है, तो हो सकता है कि कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है या कोई और कारण हो सकता है, लेकिन अभी तक इसको लेकर आप कुछ भी नहीं कह सकते जब तक इसको लेकर जांच नहीं होती। कि ये जो पूरा मामला पेश आया है, कितना ज्यादा नुकसान वहां पर देखने को मिला है? देखिए, फिलहाल जो नुकसान, माली नुकसान जो हुआ है, वो जो तमाम लेबर का जो साजो सामान यहाँ पर रहता है लेबर कैंप के अंदर, वो जो है वो जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। हालांकि इसमें जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, ये एक राहत की बात हमें इसमें देखने को मिली है। लेकिन अभी फिलहाल आपको बता दें कि तमाम रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों की बात करें तो वो भी नुकसान का जायजा वहां पर ले रहे हैं, क्या क्या नुकसान हुआ है उसे नोट किया जा रहा है और अब देखना है कि किस तरह से नुकसान की भरपाई की जाती है। लेकिन एम्स प्रशासन भी पूरी तरह से इसमें जो वो ऋषि जी आपको अपडेट कर रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ पूरा मामला पेश आ